कुछ लोग अपनी पढ़ाई 22 साल की उम्र में पूरी कर लेते हैं मगर उनको कई सालों तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। कुछ लोग 25 साल की उम्र में किसी कंपनी के सीईओ बन जाते हैं और 50 साल की उम्र में हमें पता चलता है वह नहीं रहे, जबकि कुछ लोग 50 साल की उम्र में सीईओ बनते हैं और 90 साल तक आनंदित रहते हैं। बेहतरीन रोजगार होने के बावजूद कुछ लोग अभी तक गैर शादीशुदा हैं और कुछ लोग बगैर रोजगार के भी शादी कर चुके हैं और रोजगार वालों से ज़्यादा खुश हैं। बराक ओबामा 55 साल की उम्र में रिटायर हो गए जबकि ट्रंप 70 साल की उम्र में शुरुआत करते हैं। कुछ लोग परीक्षा में फेल हो जाने पर भी मुस्कुरा देते हैं और कुछ लोग एक नंबर कम आने पर भी रो देते हैं। किसी को बगैर कोशिश के भी बहुत कुछ मिल गया और कुछ सारी ज़िंदगी बस एड़ियाँ ही रगड़ते रह गए। इस दुनिया में हर शख्स अपने टाइम जोन की बुनियाद पर काम कर रहा है। ज़ाहरी तौर पर हमें ऐसा लगता है कुछ लोग हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं और शायद ऐसा भी लगता हो कुछ हमसे अभी तक पीछे हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर ठीक है अपने अपने वक्त के मुताबिक। किसी से भी अपनी तुलना मत कीजिए, अपने टाइम जोन में रहें, इंतज़ार कीजिए और इत्मीनान रखिए। ना ही आपको देर हुई है और ना ही जल्दी। परमपिता परमेश्वर ने हम सबको अपने हिसाब से डिजाइन किया है। वह जानता है कौन कितना बोझ उठा सकता है, किसको किस वक्त पर क्या देना है। विश्वास रखिए, भगवान की ओर से हमारे लिए जो फैसला किया गया है वह ही सर्वोत्तम है और यही जीवन है।